हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री तीन पार्टों में बटा है, पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आसान है, बस आप बने रहिए, देखिए। हम आज एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और इन केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, बेसिक लेवल में बस हम लोग को यही पढ़ना है कि मतलब आईपीएससी नॉमिनेचर कैसे करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, फिर मतलब बेसिक लेवल में ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहाँ से, किस कौन सबसे पहले खोज किया इसका, ये सब पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस बेसिक लेवल से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस कार्बन, ऑर्गेनिक में बस जानना है कार्बन, बस कार्बन की छह बातें हम लोग को जानना है। अगर ये छह बातें हम लोग को पता है तो ऑर्गेनिक बेसिक लेवल में कोई कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आज ही आइए जानेंगे आज हम इस लेक्चर में कि कार्बन की छह गुण होती क्या है। देखिए हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के संरचना, संगठन तथा उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये जो ऑर्गेनिक शब्द है, जो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिज्म से बना है, ऑर्गेनिज्म जिसका अर्थ होता है क्या, जीव। इसका अध्ययन सबसे पहले बर्जीलियस ने सन 1815 ईस्वी में किया था। इन्होंने इससे संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा सिद्धांत। या जैव ऊर्जा सिद्धांत क्या होता है, तो जीवों के अंदर एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है जिससे केवल जीव ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकता है, इसे ही जैव ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं। फिर जैव ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे ऑर्गेनिक ही लिखेंगे, इसे इनऑर्गेनिक ही लिखेंगे। इन्हें किसको हिंदी में कार्बनिक लिखते हैं, इसको अकार्बनिक, क्योंकि बर्जीलियस के जैव ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर इसे नामकरण ऑर्गेनिक ही और इसे इनऑर्गेनिक ही रखा गया था। तो आइए देखते हैं कि फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या क्या होता है जैव ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर। वे पदार्थ जो जीवों से प्राप्त किए जाते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि NH2CO NH2, ये जो यूरिया है यह जीवों से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं NaCl H2O ETC। फिर इसके जस्ट बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वहलर ने अध्ययन किया और वहलर ने सन 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसे हम क्या कहें, यूरिया। इन्होंने यूरिया का निर्माण कर जैव ऊर्जा सिद्धांत को खंडित कर दिया, जो जैव ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यह सही नहीं रहा क्योंकि जैव ऊर्जा सिद्धांत कहता है कि केवल जीवों के अंदर ही वह शक्ति पाया जाता है जिससे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सके, लेकिन प्रयोगशाला में वहलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। जो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ वह यूरिया, ये बना कैसे, तो हम देखते हैं कि पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाकर इन्होंने बनाया, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट। फिर जो अमोनियम साइनेट है इसका एक मूल लेकर इसका रीअरेंजमेंट किया गया, क्या, रीअरेंज मतलब उसी को एक दूसरे में अरेंज किया गया जिससे बना NH2। आप देख सकते हैं N दो बार है, दो एन है, एक एन दो एन, फिर H2 यानी H4 है यहाँ, फिर H2 यहाँ, H2 यहाँ, फिर देख सकते हैं H4 हुआ, फिर CO है, C डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी होती है, चार, तो फिर यह रीअरेंज हो गया इस रूप से, इस रूप में यही हो गया आपका यूरिया। फिर आए लेवासिए, कौन है, लेवासिए, क्योंकि जब जैव ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर रासायनिक पदार्थों का खंडन सही नहीं रहा, फिर आए लेवासिए, तो लेवासिए के दहन के सिद्धांत के आधार पर फिर
रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। लेवासिए करते क्या थे, लेवासिए रासायनिक पदार्थों को जलाकर चेक करते थे, उसी ने इनका नाम रखा गया लेवासिए के दहन के सिद्धांत के आधार पर। तो फिर यह जलाते थे रासायनिक पदार्थों को, जिसमें से ब्लैक धुआं निकले उसे कार्बनिक यौगिक कहते थे, और जिसमें से ब्लैक धुआं ना निकले उसे अकार्बनिक यौगिक कहते थे। देखिए लेवासिए के दहन के सिद्धांत के आधार पर पुनः रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। पहला बना आपका कार्बनिक यौगिक, ये होता क्या है कार्बनिक यौगिक, तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे आपका हो गया CH4 मेथेन, C2H6 एथेन। फिर तो दूसरा बना आपका अकार्बनिक यौगिक, क्या अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो वे पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे देख सकते हैं आप NaCl, H2O, ATC एक्सेट्रा। ये जो है कार्बनिक यौगिक, तो बहुत ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होते हुए भी वह अकार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि उनके लक्षण कार्बनिक यौगिक जैसे नहीं होते हैं। जैसे देखें कौन कौन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, में कार्बन होते हुए भी यह अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इनके लक्षण कार्बनिक यौगिक जैसे नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग जानने कि कार्बनिक यौगिक का लक्षण क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक का लक्षण, जिसमें पहला लक्षण होता है वो है आपका तत्वों की उपस्थिति। क्या है तत्वों की उपस्थिति, तो कार्बनिक यौगिक के लक्षण पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ रहे हैं तत्वों की उपस्थिति, इसमें मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित होता है, क्या कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तथा कभी कभी ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा हैलोजन तत्व भी उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख सकते हैं तत्वों की उपस्थिति, तत्वों में कार्बन तो मुख्य रूप से उपस्थित रहेगा, क्योंकि कार्बन के भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तत्व भी उपस्थित होता है। अब देखते हैं स्रोत, कार्बनिक यौगिक का स्रोत क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है, किंतु इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है, क्योंकि वोहलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर चुका है। उसके बाद आता है आपका श्रृंखलन का गुण, क्या आता है श्रृंखलन का गुण, तो कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक चेन बनाता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 20 लाख से भी अधिक। और उसके बाद नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक के लक्षण में जो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है आपका समावयता। समावयता क्या होता है, तो हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं, और यह घटना समावयता कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आपको देख सकते हैं CH3O CH3, इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, दो कार्बन उपस्थित है, देखेंगे C2H3 हाइड्रोजन उपस्थित है, फिर ओ देखेंगे क्या वो C2H6O, इसके जो समावयी होंगे वो हैं आपके CH3CH2OH, इनका नाम होगा एथिल एल्कोहल। देखिए इन दोनों का संरचना अलग अलग है, बस इसका फार्मूला लिख के देखिए, इसमें दो कार्बन उपस्थित है बनेगा C2, फिर हाइड्रोजन देखिए 3, 2, 5, 1, 6, फिर एक ऑक्सीजन, ये भी बना C2H6O।
आप देख सकते हैं दोनों का संरचना अलग अलग है किंतु अणुसूत्र समान है। तो इसी से परिभाषा बनता है, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना अलग अलग होते हैं एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं और यह घटना समावयता कहलाता है। आपको 11th में इसका फुल एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा समावयता का। आइए अब आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध, जो कि एक दिशात्मक बंध होता है। इसी कारण कार्बनिक यौगिक की संरचना निश्चित हो जाती है। जब कार्बनिक यौगिक की संरचना निश्चित हो जाती है तो समावयता की घटना पाया जाता है। जब कार्बनिक यौगिक की संरचना निश्चित होगी तभी तो समावयता की घटना पाया जाएगा। ऐसे देखिए कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध। अब हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में वह 6 बातें जो जान लेने से बेसिक लेवल में कार्बनिक यौगिक में आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। जानते हैं कार्बन के बारे में वह 6 बातें जिससे कि बेसिक लेवल पे कार्बनिक रसायन को पढ़ना आसान हो जाता है। तो 6 बातें में कार्बन के बारे में 6 बातें, तो पहला है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 1s2 2s2 2p2। आप देख सकते हैं कार्बन के बाह्यतम कोष में, यह है आपका कार्बन का, यह कार्बन का बाह्यतम कोष। आप देख सकते हैं बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। फिर कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। फिर कार्बनिक एवं कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। फिर कार्बन के 4 बंध बनते हैं और कार्बन के 4 बंध 4 प्रकार से बनते हैं। और प्रकार हम लोग को नहीं पढ़ना है, हाँ फिर आगे बताया जाएगा आपको। आज का लेक्चर हम लोग का यही समाप्त होता है। इस लेक्चर में आपको बताया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातें। अब असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्लेचर, IUPAC नाम क्लेचर कैसे करें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय केमिस्ट्री।